आप सब पबजी के बारे में तो जानते होंगे। भारत में इस गेम को सभी आयु के लोग खेलते हैं। इसी के चलते पबजी गेम वालों ने एक नई घोषणा की है। कंपनी ने पबजी लाइट लॉन्च किया है। पुराने गेम से ये खेलने के लिए आसान है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पबजी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए, क्योंकि इतने लोग खेलते हैं कि कोई उसकी उम्र नहीं है कि कौन खेलता है नहीं खेलता है। सभी आयु के लोग इस गेम को खेल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि कंपनी ने क्या क्या फैसिलिटीज़ दी है इस गेम में और ये गेम कब लॉन्च होने वाला है। पबजी लाइट की क्या खासियत है? इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। पबजी गेम भारत में लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तो आप जानते होंगे कि पबजी गेम भारत गेमर के लिए काफ़ी बड़ी बात है और भारत में सभी आयु के लोग इस गेम को खेलना पसंद करते हैं। इस गेम की सफलता का मुख्य कारण सभी प्लेटफॉर्मों पर इसकी उपलब्धता है, ना कि इसके बावजूद उच्च अंत आवश्यकताओं के कारण पबजी पीसी और लैपटॉप पे बहुत लोकप्रिय नहीं है। ये गेम सिर्फ मोबाइल के अंदर ही खेल सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गेम उस लोगों को पूरा करने के लिए बनाया गया है जिनके पास उच्च अंत गेमिंग हार्डवेयर तक पहुंच नहीं है। कंपनी ने कहा है कि ये हमें ये घोषणा करते हुए बहुत ही रोमांचित है कि पबजी लाइट वर्जन जल्द ही भारत में विस्तार होने वाला है। कंपनी ने पबजी लाइट पेज पर कहा गया है। कंपनी ने कहा है कि खेल को चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं में कोर i3 द्वारा संचालित पीसी 2.4 GB प्रोसेसर के साथ 4 GB रैम और 4 GB स्टोरेज शामिल है। पीसी में इंटेल HD ग्राफिक 4000 होना चाहिए। हालांकि एक AMD रिडॉन HD 7870 या NVIDIA GeForce GTX 660 को एक चिकनी प्रदर्शन के लिए अनुवंशित किया गया है। पबजी लाइट पूरी तरह से लोड पीसी संस्करण के विपरीत खेलने के लिए स्वतंत्र हो। इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने गेम को अच्छी तरह से खेलने के लिए लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी दी है। इसके बावजूद अगर आप मोबाइल से खेलना चाहोगे तो भी अच्छा है, या फिर आप पीसी से या फिर लैपटॉप पे खेलना चाहो तो भी कंपनी ने अभी पबजी लाइट के ज़रिए आपको खेलने की अनुमति दी है। हो सकता है कि मोबाइल पे जितना ये गेम फेमस हुआ है उतना ही पीसी और लैपटॉप में भी हो जाए, ताकि कंपनी अच्छे से अच्छा वर्जन ला सके। चलो तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इस गेम के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।